नमस्कार हिंदी प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने चंद्रधर शर्मा गैलरी का परिचय जो है पढ़ा था और देखा था कि चंद्रधर शर्मा गैलरी जो है 1883 में जो है वो पैदा हुए थे और 1922 में उनका देवासन हो गया था और उन्होंने तीन जो कहानियाँ लिखी थी, सुखमय जीवन, गुड्डू का कांटा, उसने कहा था। मैंने कल उसने कहा था कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो था उसकी पूर्व पीठिका पर लिखी हुई कहानी है। इस कहानी में जो है उसने कहा था इसका शीर्षक है और ये पूर्व दीप्ति में लिखी हुई कहानी है, यानी फ्लैशबैक। आप अभी 50 साल की उम्र के हैं या मैं 50 साल की उम्र का हूँ तो 10 साल की उम्र में जो कोई घटना घटी है उस घटना को याददाश्त के रूप में रख करके फिर कहानी की जो है संरचना या रचना की गई है। उसमें लैना सिंह नाम का एक छोटा बालक होता है 12-13 साल का और 10 साल की एक बच्ची होती है सुबेदारनी, उसको सुबेदारनी ही चंद्रधर शर्मा गैलरी ने उसका नाम ही सुबेदारनी कहा। अमृतसर के जो है बाजार में वो दोनों बच्ची जो है किसी घोड़े की जो है नीचे आ गई थी और बच्ची की रक्षा जो है लैना सिंह ने की थी। ये एक बचपन की घटना जो है घटती है और उस बचपन की घटना को फिर बाद में जब वो बच्ची जो है उसकी शादी हो जाती है, लैना सिंह की शादी हो जाती है, लैना बच्ची थी उसके जो पति का नाम था वो सूबेदार था और सूबेदार और लैना सिंह दोनों एक ही रेजिमेंट में नौकरी करते थे। तब जो है सूबेदारनी जो है लैना सिंह एक बार घर आता है और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो सूबेदारनी ने उनको कहा कि जिस तरह से आपने मेरी बचपन में जान बचाई थी उसी तरीके से अब जो है आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। ये बात लैना सिंह को सूबेदारनी कहती है। वो दोनों आपस में पहचान भी जाते हैं कि ये वो ही बचपन की जो है लड़की है और सूबेदारनी भी पहचान जाती है ये वही बचपन का लड़का है और सूबेदारनी कहती है कि जिस तरह से आपने मेरी बचपन में अपने प्राण की बाजी लगा के मेरी रक्षा की थी इसी तरीके से मेरे सुहाग की रक्षा करना। तो उसने कहा था तो लैना सिंह जो है प्रथम विश्व युद्ध में सूबेदार की जान को बचाता है और अंत में वो कहता है कि उसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था। तो इसमें जो है त्याग, उत्कर्ष प्रेम और बलिदान की जो भावना है उस त्याग, उत्कर्ष प्रेम और बलिदान की भावना को लेखक ने रेखांकित किया है। तो उसने कहा था कहानी का परिचय जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, यानी गुलेरी जी की ये सर्वश्रेष्ठ कहानी है। मैंने आपको पूर्व बताया कि इनकी दो कहानियाँ और हैं, बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन, लेकिन यह कहानी उसने कहा था उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है और उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ भी है। हिंदी कहानी के विकास में यह मील का पत्थर मानी जाती है। उसने कहा था कहानी जो है हिंदी कहानी के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। कहानी गुलेरी जी, गुलेरी जी, तो ये कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी कहानी के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लैना सिंह के चरित्र के माध्यम से, इस कहानी में लेखक कौन है, कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गैलरी जी। तो इस कहानी में लेखक चंद्रधर शर्मा गैलरी जी ने लैना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम प्रण पालन, निश्चल प्रेम, निश्चल प्रेम, दूसरा क्या है प्रण पालन, मैंने जो प्रण दे दिया या जो वचन दे दिया उसको निभाना, त्याग भावना,
दूसरा तीसरा त्याग भावना, चौथा जो है देश प्रेम, देश प्रेम, और पांचवा जो है वीरता। तो इस कहानी में लैला सिंह के माध्यम से चंद्रधर्मा गुलेरी जी ने निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। लैला सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है। लैला सिंह अपने बाल प्रेम के कारण अभूतपूर्व त्याग करता है। मैंने आपको बताया था कि अमृतसर के बाजार में लैला सिंह और जो बच्ची थी ये बचपन में मिलते हैं और बचपन में उनका जो है प्रेम होता है। और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। ये सूबेदारनी कौन है? ये सूबेदारनी वही जो है वही बच्ची है जो 10 साल की उम्र की थी। तो उस 10 साल की उम्र की जो बच्ची थी उसकी जो है शादी सूबेदार से होती है। तो उसके पति सूबेदार और उसके पुत्र की जो है अपने प्राण न्योछावर करके उनकी प्रथम विश्व युद्ध में उनकी रक्षा करता है। तो प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास तथा करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। यानी कहानी का प्रारंभ क्या है, वो आकर्षक उसका प्रारंभ है और विश्वसनीय उसका विकास है। यानी वो झूठी कहानी नहीं लगती बल्कि उस कथा पे हमें जो है विश्वास करते हैं कि ऐसी घटना घटी होगी, ऐसी कथा रही होगी। और करुणापूर्ण अंत की सृष्टि है, यानी अंत जो है प्रारंभ इसका क्या है, आकर्षक प्रारंभ है और विश्वसनीय जो है इसका क्या है, विश्वसनीय कथा है और जो है अंत जो है वो करुणापूर्ण इसका अंत है। अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन। यानी कहाँ अमृतसर से कहानी को प्रारंभ किया था, कहानी का प्रारंभ हमने देखा आकर्षक है, तो अमृतसर से कहाँ कहानी के कथा को प्रारंभ करके और सुदूर जो है फ्रांस की युद्ध भूमि जो थी वहां से कथा को आपस में तारतम्यता बिठाते हुए लेखक गुलेरी जी ने इसकी कथा को पिरोया है या जोड़ा है। तो युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। पात्र और स्थिति के अनुकूल भाषा शैली का चयन, भाषा चयन इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं, जैसे पात्र हैं उस पात्र और जैसी स्थिति है, जैसा वातावरण है, जैसी स्थिति युद्ध क्षेत्र की है, वैसी ही भाषा का चयन लेखक गुलेरी जी के द्वारा किया गया है और ये इस कहानी की शिल्पगत विशेषता है और ये महत्वपूर्ण शिल्पगत विशेषता है। पूर्वाभास शैली फ्लैशबैक का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इसी कहानी में हुआ है। यानी पूर्वाभास इस कहानी में पूर्वाभास शैली का प्रयोग किया गया है जो हिंदी कहानी में पहली बार किया गया था और वो सफल भी हुआ। तो पूर्वाभास शैली फ्लैशबैक का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इसी कहानी में हुआ। व्यंग का पुट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देश शब्दों का प्रयोग, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि करना लेखक का एक अत्यधिक भाषा कौशल है या ये लेखक की प्रतिभा है। तो वातावरण की सृष्टि सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण है। ये जो है हमारी
कहानी है उसने कहा था। ये हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी है, यानी हिंदी की जो है श्रेष्ठ कहानियों में से यह कहानी आती है। मित्रों कल हम जो है उसने कहा था कहानी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।